तो मिनिस्टर एमएलओ भी कुछ जाके तो मिसेस होता होगा ना गाड़ी में, लेकिन उन लोग का गाड़ी में तो क्या नहीं ये झटका नहीं करने वाला, जर्किंग नहीं होने वाला, कुछ अलग से होता होगा वो लोग का गाड़ी, इसलिए वो लोग को मिसेस नहीं होता है। रास्ता जैसे ही नहीं, आपका आलू बगन जैसे जहाँ में भी गाधा, तो कहीं में भी जाओ आपका गाधा में घुसना ही घुसना है। एकदम शाम को आपको एक पैक पी के सोना पड़ेगा, बदन उपाय नहीं। दर्शकों नमस्कार, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि नेशनल हाईवे 415 जो नाहरलगन से न्यूजली पड़ता है उसका कंडीशन बहुत ही खराब है, और ऐसे में बारिश लगातार हो रहा है, इसका भी एक वजह है। लेकिन आप सभी को बता दूं पिछले कई महीनों से न्यूज पे न्यूज चलाया जा रहा है, और डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी है उनसे भी बात किया जा रहा है, डिपार्टमेंट के तरफ से ये बात होता है कि ये रास्ता जो है जल्द बन जाएगा। यहाँ तक कि बनने का जब बात करता है तो आपको बता दूं यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है, जिस कारण से जो आने जाने वाले यात्री जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और जिन्होंने इस पैकेज को लिया है, यानी नेशनल हाईवे 415 पैकेज बी और सी को जिन्होंने लिया है, अभी आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं कि बारिश हो रहा है, क्योंकि बारिश जब नहीं हो रहा था उस समय भी इस रोड को मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था, जिस कारण से बंदरदवा से लेकर नाहरलगन तक आने जाने वाले यात्रियों को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप सभी को बता दूं आज अरुणभूमि की टीम ने नाहरलगन और न्यूजली का दौरा किया, और जिसमें अरुणभूमि के संवाददाता ने उन ऑटो चालक और उन ट्रेकर चालक और साथ ही साथ जो पैसेंजर होता है उनसे क्या बात किया, और पैसेंजर और ऑटो ड्राइवर यानी चालक जो है अरुणभूमि टीम को क्या जवाब दिया, देखते हैं ये रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ का लीडर लोग, यहाँ का ये हम लोग का यहाँ का CM लोग भी बराबर हाई लेवल लीडर लोग भी तो खुद भी जाता हुआ ये रास्ता को ना, खुद जाता होगा, लेकिन किसको टेंडर देता है, कौन आदमी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, वो लोग भी कैसे बनाता होगा पता, हम लोग भी समझ भी नहीं आता। और ना चलो एक पीतल है, ये कैपिटल सबसे, हम तो सोचता है कि सबसे कैपिटल ऑल इंडिया अंदर से कैपिटल से सबसे पलतू वाला ये हम लोग का कैपिटल ईटानगर होता होगा। ये चीज़ को सिर्फ हम सिर्फ नहीं दिखता, सब आदमी दिखता है, लेकिन एक कैपिटल रास्ता हो के लिए को हम लोग का बस्ती आदमी नदी किनारे में घुमरा जैसे रास्ता ऐसे होता है, और रास्ता बनाने से भी फायदा नहीं होता है, और जितना रास्ता बनाने से भी ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता अंदर में जहाँ से यहाँ से बना के जाएगा निर्जली तक, फिर पीछे टुटा पुता ज़्यादा जहाँ खत्म होगा वह रास्ता फिर खत्म हो जाता, टूट के खत्म हो जाता है। रास्ता बनाने वाला भी ऐसे निकली पिकली बनाता है, और नहीं अभी एक्चुअली देखिए और जितना ये यहाँ में जितना लोग तिनपो उत्तर का ये जितना पर यह हम लोग रेस्ट हाउस थोड़ा सा ऐसे सिंपल बनाने वाला टुटा दिया, और जितना यहाँ का पूरा सिर्फ किनारे जितना सब्जी बिक्री उपरी करने वाला ऐसे बिचरा वो लोग को वो भी पूरा हटा दिया, ऐसे हटा के ऐसे रखे मतलब उसको तो पोर वे बनाएगा बोल के ऐसे हटा के रखा है ना, पूरा टुटा फुटा के रखा है, लेकिन पोर वे बना हो या ना बना हो लेकिन रास्ता को तो कम से कम हर आदमी तो अंग होता होगा, कुछ जाकर मिनिस्टर MLO भी कुछ जाके तो मिसेस होता होगा ना गाड़ी में, लेकिन वो लोग का गाड़ी में तो क्या नहीं ये झटका नहीं करने वाला, जर्किंग नहीं होने वाला, कुछ अलग से होता होगा वो लोग का गाड़ी, इसलिए वो लोग को महसूस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का गरीब लोग, हम लोग का जितना यहाँ में टाटा मोबाइल पकड़ने वाला, जितना छोटा मोटा कार गाड़ी पकड़ने वाला, जितना ऑटो टेम्पो जितना बाइक ये जितना कमजोर गाड़ी का पकड़ने वाला लोग तो सब महसूस होता होगा, लेकिन वो लोग भी तो इतना हाई पाई गाड़ी पकड़ने वाला भी तो थोड़ा तो जर्किंग को महसूस होना है, किस लिए महसूस नहीं होता है वो लोग पता नहीं, वो लोग मतलब हम लोग का यहाँ जितना, लेकिन हम सीधा बोलता है यहाँ में बिल्डिंग आर सी जितना बड़ा बड़ा लीडरशिप लोग भी जितना है बिल्डिंग आर से हाई पाई घर तो लेकिन डेवलप अच्छा बनाता है ना, लेकिन हम लोग का ये रास्ता के लिए क्यों डेवलप नहीं होता है, ये तो हम लोग का पिताजी से हम लोग चौथा पैदा से देखा ये रास्ता तो कभी डेवलप होता ही नहीं, ये रास्ता असली कुछ भी डेवलप नहीं होता है, और अभी 4 वे बनाएगा बोल के ऐसे पूरा टुटा पुता के रखा है, साइड में पूरा काट के रखा है, और भी रास्ता बर्बाद, 4 वे बनाएगा सब तो दुनिया जानता है 4 वे बनाएगा, लेकिन बनाएगा बोल के ऐसे चोर के कितना चोर के रखने भी ठीक नहीं है ना, थोड़ा तो पिला फुलाप कर देने से अच्छा ही सोचता है हम लोग के लिए ना, थोड़ा कम से कम समय तो लगेगा 4 वे बनाने के लिए, फिर भी 4 वे बनाएगा बोल के ऐसे टुटा के रास्ता को बर्बाद करके रखना भी ठीक नहीं है ना, उसको तो सब दुनिया दिखना है, सब आदमी दिखना है, सब हर पब्लिक दिखना है, और रिवॉल्विक भी ये लीडरशिप लोग भी दिखना है, वो लोग भी खुद जाके भी खुद दिखता होगा, लेकिन वो ये कि किस लिए अभी रास्ता को ऐसे पेंटिंग चोर रहा है, लेकिन बनाएगा उसको तो बनाएगा बोल के ऐसे रखना भी ठीक नहीं है ना,
तोरा पिला फुला करके तो तोरा ऐसे कर देने से अच्छा ही सोचता है मैं, ये मेरा कहना है। आप लोग के लिए बहुत थैंक्स, ये मीडिया पहले ही पूछने से ठीक था। हम लोग को बहुत तकलीफ होता है एकदम, आपका यहाँ से पहले हम लोग बांद्रदुआ, तो नारलगन लाइन चलाता है, हम लोग एक घंटा में आना जाना होता था नारलगन टू बांद्रदुआ, अभी निर्जुली पहुँचने में एक घंटा ज़्यादा लगता है एकदम। शाम को आपको एक पैक पी के सोना पड़ेगा, बदन ऊपर नहीं, पैसेंजर भी कोई पीछे में बैठने बैठता ही नहीं है, और रास्ता जैसे ही नहीं, आपका आलू बगन जैसे, जहाँ में भी गाधा, तो कहीं में भी जाओ आपका गाधा में घुसना ही घुसना है ऐसा है। इसलिए हम लोग को जितना यहाँ में ये टेम्पो है वो लोग जो लोग चलाते हैं, आपको एक सप्ताह चलाएगा, एक दो रुपया कमाई करेगा, फिर उसको मेंटेनेंस बनाना पड़ेगा, एक रुपया भी कमाई भी होता नहीं है। आपको तालोपुतम यहाँ कैपिटल डीसी को तो हम एकदम अनुरोध करते हैं, प्लीज़ सर इसको तो कम से कम बना दीजिए रास्ता को, तो इसी से हम लोग को आना रोजी रोटी चलता है, फैमिली लोग चलते हैं, और रास्ता नहीं हम लोग चलाने से भी फायदा ही नहीं, नहीं चलाने से भी फिर नहीं होता है कमाई, एक बीवी बच्चा को पालने के लिए जे पैसा मिलता नहीं है, लेकिन चला के भी फायदा नहीं है, एक रुपया भी कमाई मिलता नहीं है, और इतना रास्ता खराब है उल्टा बीमारी हो जाता है ऐसा है। वो तकलीफ़ है यहाँ से जाने से ना, मतलब पूरा बॉडी पेन हो जाता है जब घर वापस आते हैं ना, तो इसलिए मतलब वही है, बहुत ख़राब है तो वही लगता है, मतलब पूरा बदन दर्द देते हैं। आप लोग जो बीमारी लोग ले ले इतना तकलीफ़ देता है ना, ये करता है और बीमारी से और बीमारी ज़्यादा पे ये करा रहा है, थोड़ा सा बीमार को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग अपील कर रहे हैं कि ये जो रास्ता को ठीक होना है, जो मेडिकल को थोड़ा सा बीमार वाला को ये रास्ता में जाके उल्टा बीमार जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। आज हम लोग आप लोग यहाँ आया इसलिए बहुत बहुत आप लोग थैंक यू ना, तो हम लोग ये रास्ता जो ऐसा है, हम लोग टेम्पो दिन में इतना प्रॉब्लम होता है ना, हम लोग को इतना कष्ट हो रहा है कि हम लोग एक लाइन दो लाइन जाने मिलता है, तो इसमें हम लोग का ज़्यादा भाग मेंटेनेंस में गाड़ी मेंटेनेंस में चला जाता है ना, तो इसलिए इसमें बहुत दिक्कत है। हम इतना महीना से देख रहे हैं और ये साल भर हो चुका है कि ये रास्ता जो बन रहा नहीं है ना, कितना मेंटेनेंस करता है इन लोग, जो ऐसा होता है कि जब पाँच छः दिन धूप होगा रास्ता नहीं बनाता, जब बारिश का समय रात को बारिश होगा रात भर ये पिलाप करता है, तब रास्ता जो खुद का खुद ख़राब हो जाता है ना, तो फायदा नहीं रहता है। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग का ये टेम्पो ड्राइवर होने का नाते और ये हम लोग रोज रोटी कमा के यही से खा के यही से जीता है ना, इसलिए हम मांग करते हैं गवर्नमेंट से, अपील करते हैं, अब प्लीज़ हमारा पेमा खांडू सरकार और कैपिटल डीसी प्लीज़ इस रास्ता को जल्द से जल्द ठीक कर देने से ठीक है। जैसे कि आप सभी ने देखा और सुना, हमारा इस न्यूज को चलाने का केवल और केवल एक ही मकसद यही है कि ऐसे रोड कंडीशन इतना खराब है, इसको सरकार और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, साथ ही साथ जिन्होंने पैकेज बी और सी को कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को इन चीजों को देखना चाहिए। हमेशा हम जब भी न्यूज करते हैं उस समय हम ये बोलते हैं कि रास्ता यानी सड़क जो होता है जनता के लिए उपयोगी होना चाहिए, यानी जनता उसको सही से इस्तेमाल कर सकना चाहिए। और आपको ये भी बता दूं, ये रोड दरअसल 415 यानी नेशनल हाईवे 415 पैकेज बी और सी आता है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश के राजधानी क्षेत्र यानी ईटानगर नाहरलगन ट्विन सिटी के अंदर आता है। तो ऐसे में आप समझ के देखिए कि ईटानगर के जो है अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर का हालत ये है, तो आप इमेजिन करके देखिए कि अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज जिला में रोड का कंडीशन कैसा होता होगा, क्योंकि रोड ही एक सबसे बड़ा विकास का एक सबसे बड़ा जरिया है। जब तक आप रोड कंडीशन ठीक नहीं होगा तो आप समझ के देखिए उसमें जो है दुकान का जो है सामान का दाम जो है बढ़ जाता है, ट्रैकर का जो किराया है बढ़ जाता है, टाटा मोबाइल का किराया बढ़ जाता है, टेम्पो का किराया बढ़ जाता है, सभी चीज का किराया बढ़ जाता है। तो ऐसे में केवल और केवल एक कारण है, जब रोड कंडीशन खराब होता है तो इसमें डायरेक्टली सभी चीजों का जो सामान का जो दाम होता है वो बढ़ जाता है, और इससे आम जनता के जीवन पर सीधा असर पड़ता है। तो इन चीजों को सरकार को देखना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को देखना चाहिए, और जिन्होंने पैकेज बी और सी को ले रखा है उनको देखना चाहिए। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुणभूमि, बने रहिए अरुणभूमि, हमारा मकसद है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।